वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको अपडेट मिल चुका है, जो कि यहाँ पे मार्च एंडिंग में और यहाँ पे 5th of March का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, उस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लो जो कि एंट्रोडो बेंचमार्क्स को से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्रोडो बेंचमार्क्स को देखने को मिलेगा जो कि 3 लाख, और यहाँ पे कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। और उसके बाद एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है, स्टॉक कैमरा से आप फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल्ड करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे गूगल कैमरा में सब कुछ आपको वर्किंग मिल जाता है। 4K में भी आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे नाइट साइड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो नाइट साइड का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद पोर्ट्रेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट में भी आपको वर्किंग मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल 0.6 पे नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा देख सकते हो जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि वीडियो वीडियो भी यहाँ पे 1.6 पे नहीं जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे 1.7 से भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा लैगी है कैमरा, जो कि यहाँ पे थोड़ा लोड लेने में यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.7 पे जा रहा है, जो कि यहाँ पे 0.6 पे यहाँ पे नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद वीडियो जो है आप यहाँ पे 1080 पिक्सल्स यहाँ पे 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो कि वीडियो 1080 पिक्सल्स 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्लो मोशन वर्किंग नहीं मिलता है। मोर में यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे पैनोरामा फोटो स्किप का सपोर्ट मिल जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा यहाँ पे डिले हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप कैमरा पोर्ट चेंज करना है तो कैमरा पोर्ट चेंज करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिंपल वेट पैनोरामा फोटोस्केप लेंस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड होने के कारण आपको यहाँ पे कोई भी ब्लॉट फेस नहीं मिलता है। जो यहाँ पे पिक्सल OS मिलता है, जो कि यहाँ पे जो पिक्सल डिवाइसेस रहता है उसके अंदर जो OS मिलता है उसी का आपको यहाँ पे पोर्ट बना के यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है, जो कि देख सकते हो। और यहाँ पे आपको वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट्स तीनों यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट्स तीनों यहाँ पे वर्किंग है। और यहाँ पे मैं ब्लूटूथ टेस्ट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बात कर लूँ जो कि देख सकते हो, और यहाँ पे नोटिफिकेशन बैटरी, और यहाँ पे बैटरी में यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो कि यूसेज देख सकते हो, जो कि यहाँ पे पास 24 आवर्स का, जो कि यहाँ पे 12 आवर्स यहाँ पे 16 मिनट्स एंट्रोडो बेंचमार्क्स को यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम 16 मिनट्स तक का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप ऐसा कुछ आपको यहाँ पे एक्सट्रीम यहाँ पे जो कि ट्रेडिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे नॉर्मल आप डे टू डे यूसेज में जैसा MIUI में बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, उसी की तरह इसके अंदर भी आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड वाइब्रेट। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे प्राइवेसी को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डबल लाइन क्लॉक आपको मिल जाता है। उसके बाद एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि ऑलवेज शो करेगा टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे बैटरी यूसेज सभी यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद पिकअप, और यहाँ पे राइज टू वेक, हैंड वेव, पॉकेट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद डार्क थीम को आप यहाँ पे लाइट थीम में भी यूज़ कर सकते हो। फाउंट साइज, डिस्प्ले साइज, नाइट लाइट, इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपनी आँखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। ऑटो रोटेशन, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक। और उसके बाद मिल जाता है जो कि वॉलपेपर एंड स्टाइल, जो कि यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और यहाँ पे वॉलपेपर का कलर्स भी चेंज कर सकते हो।
बेसिक कलर से भी यहाँ पे आप पिक करके चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे चेंज वॉलपेपर का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारा यहाँ पे वॉलपेपर है। और उसके बाद एक्सेसिबिलिटीज मिल जाता है, टॉक बैक और यहाँ पे टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट को आप अनेबल कर सकते हो। रिमूव एनिमेशन लार्ज मोएस पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सिंपल फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। जो कि अपडेट में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको बग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट में यहाँ पे दोनों यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ऐड हो चुके हैं। उसके बाद टैप अनलॉक और यहाँ पे फेस अनलॉक देख सकते हो, जो कि यहाँ पे फेस अनलॉक हो रहा है, जो कि देख सकते हो। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पे प्रॉपरली, और यहाँ पे आपको नॉर्मल, जो कि यहाँ पे इतना सारा फास्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल अनलॉक होता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइवेसी का है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में देख सकते हो, और यहाँ पे आपको न्यू अपडेट मिल जाता है, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी चेकअप आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, जो कि यहाँ पे आपको सिक्योर योर अकाउंट, जो कि यहाँ पे आपको कुछ भी अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ रहा तो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद प्राइवेसी, लोकेशन, सेफ्टी, इमरजेंसी पासवर्ड, अकाउंट, डिजिटल वेलबिंग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जिक्सस का सपोर्ट मिल जाता है, क्विक, जो कि यहाँ पे क्विक टैग को जो कि जो है वर्क नहीं होगा, जो कि पिक्सल डिवाइस में वर्क होता है। और यहाँ पे क्विक ओपन कैमरा, जो कि यहाँ पे आप क्विक ओपन कैमरा कर सकते हो, जो कि ट्वाइस आपको यहाँ पे प्रेस करना है, जो कि पावर की को, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पावर की को ट्वाइस प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। जैक्सेस और यहाँ पे थ्री बटन नेविगेशन का आप यूज़ कर सकते हो। ऑन डेली मोड भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद प्रेजेंट होल्ड पावर के से आप असिस्ट को ऑन कर सकते हो, जो कि होल्ड करना है और यहाँ पे डबल टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंट रिंगिंग और यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, अपडेट भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपडेट शो करेगा। उसके बाद अबाउट फोन में देख सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो और यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 12। उसके बाद यहाँ पे आपको 5th of March का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। बिल्ड डेट देख सकते हो, जो यहाँ पे एंड्रॉइड 12.1 मिल जाता है और यहाँ पे 2022-03-29 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑफिशियल अपडेट है और यहाँ पे रॉम को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे कंप्लीट बता चुका हूँ, जो कि इस रॉम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे स्मूथ के साथ एक्सट्रीम HDR के साथ अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। जायरो अब यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे आप देख सकते हो 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है।
in the lead. Mark it down. Killing spree for the blue team. यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लैग है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है इसके अंदर वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है, जो कि यहाँ पे जो बैटरी है ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो। और यहाँ पे हीटिंग भी इशू नहीं है, जो कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके मुताबिक यहाँ पे ज़्यादा कुछ हीट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रोम को इंस्टॉल करना है तो बेशक इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी बना के बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।